हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महतो, आईटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज जो हम अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा आज का जो इस महीना मार्च जो आ रहा, मार्च महीना में मेरे यहाँ इस जगह में कोटशिला बाजार में 10 साल का अचीवमेंट जो होने वाला एक्सपीरियंस अचीवमेंट पढ़ाने का एक्सपीरियंस 10 साल का इस जगह का। तो हम जो पढ़ाएं बच्चे को कहाँ क्या व मेरा क्या क्वालिटी है व कहाँ से क्या किए हैं वो हम आपके साथ पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे सेंटर में क्या क्या फैसिलिटी है आपके लिए वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है मेरा इंट्रोडक्शन जो है, मैंने 10th की जो पढ़ाई की थी वो DAV हाई स्कूल पासलडी धनबाद से किया है। उसके बाद 12th जो है मेरा वो है सिंधरी कॉलेज सिंधरी से धनबाद में। उसके बाद BCA मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स, जो मेरा है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई। उसके बाद मैंने किया है हार्डवेयर नेटवर्किंग PG पोस्ट ग्रेजुएट इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, जो कि है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से। इसके बाद मैंने कहाँ कहाँ काम किया, मेरा जो एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, हम कितने दिन से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट पढ़ाया है ब्रेनवेयर कंप्यूटर एकेडमी धनबाद, जहां हमने पढ़ाया 2012 में एक मैंने BTech के स्टूडेंट को पढ़ाया था फाइनल ईयर के जावा और C++ की ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद वहीं से जो उनका जो सब ब्रांच पुरुलिया में था, पुरुलिया ब्रेनवेयर मुझे पोस्ट किया गया था, ठीक है। तो उस जगह मैंने पुरुलिया ब्रेनवेयर में आके हार्डवेयर नेटवर्किंग प्लस प्रोग्रामिंग और भी बहुत सारे कोड जो फोटोशॉप सब कुछ हमने पुरुलिया ब्रेनवेयर में पढ़ाया, जो कि 2012 के लास्ट में ही आए थे, लेकिन 2013-14 फरवरी तक हम पुरुलिया ब्रेनवेयर में थे। उसके बाद मैंने खुद का अपना जो सेंटर है IT कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जो यहाँ पे कोटशिला बाजार में जो खोला था वो है मार्च 2014, जो अभी तक चल रहा है मेरा, अभी भी 10 साल इसलिए पूरे हो रहे हैं। 2014 में यहाँ आने के बाद मैंने एक हाई स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है, जो कंप्यूटर टीचर्स के रूप में जो है झिलिंगनहर हाई स्कूल 2017 में ज्वाइन किया। ये मेरा एडुकेशन बैकग्राउंड, ये है मेरा एक्सपीरियंस। इसके बाद हमारे सेंटर आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है, क्योंकि ये एक पुअर मैंने गांव है बा एरिया रूरल एरिया है, जहां इकोनॉमी पावर उतनी हाई नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कम से कम खर्चा में बच्चे को अधिक से अधिक शिक्षा मिले, हाई क्वालिटी मिले। तो मेरा जो यहाँ जो सपना है वही हम करते हैं कि हाई जो मेरे कोर्स भी है वो आप चेक कर सकते हैं, कि आप पढ़ाने का भी तरीका देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे हजारों स्टूडेंट मैंने ट्रेनिंग करवाए हैं। तो फर्स्ट है 1:1, मैंने 1 यूजर 1 स्टूडेंट एंड 1 कंप्यूटर, ये फैसिलिटी हम अपने सेंटर में देते हैं। उसके बाद जो है जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ते हुए छोड़ देता है, ठीक है, तो हम उसके लिए जब वो कभी होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसके पास आ जाती है 5 महीना 6 महीना पर, वो रिटर्न बैक आता है, बोलता है सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था मेरा, हम छोड़ दिया, मैं फिर रिज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। उसके लिए हम उसको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, जो उसके कोर्स भी होता है वही कोर्स भी उससे हम लेते हैं। कोर्स मेरा है लाइफ टाइम सपोर्ट। लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब मेरा होता है कि आपको जब भी इंटरव्यू होती है कंप्यूटर की कोई एग्जाम में आप बैठते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको हम प्रैक्टिकली कोई इंटरव्यू में जो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए सपोर्ट करेंगे, आपका टाइपिंग स्पीड के लिए भी यदि आपको जरूरत है ना, आप थोड़ा प्रैक्टिस चाहते हैं वर्ड एक्सेल अपना जान सर 2 दिन का हमको प्रैक्टिस चाहिए, लाइफ टाइम हम सपोर्ट देंगे आपको। और यदि ऐसा होता कि हम एकदम भूल रहे हैं कोई भी हमको कंटिन्यू हमको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए हम यहाँ पे एक मिनिमम चार्ज रखे हुए हैं
कि आपको 3 महीना पर मंथ देना है, जो भी मान आपका 1 महीना करना, 2 मंथ करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 महीना पर मंथ जो कि प्रैक्टिस क्लास के लिए हम सुविधा देते हैं। तो यही है मेरा IT कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का फैसिलिटी। धन्यवाद।